वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज रोहतक रोड वाली ब्रांच पे। अगेन अपने सामने खड़ी है टाटा पंच, ग्रे कलर के साथ रहने वाली है, बेस वेरिएंट प्योर है। गाड़ी हमारे पास आई है काफी दूर से, यहां पे आप नंबर देख सकते हैं UP 46 नंबर। कस्टमर से लास्ट में मिलेंगे, जानेंगे कहाँ से वो आए हुए हैं, बाकी क्या कुछ काम किया जा रहा है उसकी अगर हम बात करें तो कम्प्लीट बेस टू टॉप मॉडिफिकेशन जो है वो आपको इस वाली कार के अंदर देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक इंटीरियर का लुक देख सकते हैं, सारी सीटें वगैरह जो है वो अपनी निकली हुई हैं, सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा। इसके अलावा फ्लोरिंग वगैरह का काम जो है वो भी किया जाएगा, यहाँ पे आप फ्लोर चेक कर सकते हैं, कारपेट फिनिश के साथ आता है। इसके ऊपर अपनी डाई वाली जो फ्लोरिंग है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जाएगी। म्यूजिक रिलेटेड अपडेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस वाले वेरिएंट के अंदर क्योंकि बेस वेरिएंट है तो कोई स्टीरियो वगैरह नहीं आता है, डायमंड 2K वाला जो स्टीरियो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसकी वायरिंग वगैरह जो है वो करी जा रही है। स्पीकर लग चुके हैं फ्रंट डोर के अंदर पायनियर के कंपोनेंट स्पीकर्स, और रियर डोर के अंदर पायनियर के कोइजर स्पीकर का सेटअप जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बॉक्सेस जो है वो अपने यहाँ पे रखे हुए हैं, ये अपना फ्रंट डोर का बॉक्स रहने वाला है और ये अपने रियर डोर का बॉक्स जो है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कंप्लीट 4 स्पीकर और 2 टूटर का सेटअप जो है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल रहने वाला है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसका काम कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों पावर विंडो आपको सिर्फ 2 मिलती है इस वाली कार के अंदर, आगे की रियर पावर विंडोज का जो इंस्टॉलेशन है वो भी रहेगा, टाटा जेन्युइन रियर पावर विंडोज जो है वो भी इंस्टॉल करी जाएंगी। अभी आप इसका साउंड सुन रहे हैं, ये अपना तो यहाँ से एक टन टन की जो आवाज़ है वो आपको सुनाई दे रही है। इसके ऊपर डैम्पिंग का काम जो है वो भी किया जाएगा, 6 शीट जो है डैम्पिंग है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना स्टीयरिंग कंट्रोल जो है उसको इंस्टॉल किया जा चुका है। बाकी अगर हम बात करें बाहर से क्या कुछ रहेगा तो यहाँ पे अपने डोर वाइजर का जो इंस्टॉलेशन है वो भी किया जाएगा। रूफ रेल जो है वो अपने इंस्टॉल यहाँ पे करी जा चुकी है। एम्बिएंट लाइट रहने वाली है अपनी K4 सीरीज के साथ। आउटसाइड मिरर जो है वो अपने रिप्लेस किए हुए हैं, इसमें अपना ऑटो फोल्ड मिरर जो है वो लगाए जाएंगे, मोटर सिस्टम के साथ जो है प्रॉपर काम करेंगे। ग्लॉसी किट का जो अपडेट है वो भी कंप्लीट यहां पर हो चुका है, आप यहां पर चेक कर सकते हैं, टेलाइट वगैरह काम जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। पीछे की तरफ आप देखेंगे यहां पर रियर रिफ्लेक्टर काम जो है वो चलने वाला है, ये रिफ्लेक्टर जो है वो इस वाले कार के अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे जो कि मैट्रिक्स फॉर्मेट में रहने वाले हैं। पहले जो आते हैं वो अपने डमी आते हैं, यहाँ पे डमी रिफ्लेक्टर जो है वो आप चेक कर सकते हैं, इसको रिप्लेस करके मैट्रिक्स रिफ्लेक्टर जो है उसका इंस्टॉलेशन रहने वाला है। रियर व्यू कैमरा जो है वो भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी प्लेसमेंट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, प्रॉपर रहेगी और इसको भी सेट करके जो है वो अंदर की तरफ कर दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा क्या कुछ रहेगा उसकी अगर हम बात करें तो रियर में अपना रियर स्पॉइलर जो है लाइट वाला वो इंस्टॉल किया जा चुका है। ऊपर की तरफ रूफ रेल मैंने आप लोगों को दिखा दी है, यहाँ पे अपनी लोअर गार्निश जो है वो लग चुकी है। GT किट का जो अपडेट है वो भी रहेगा, M-Tech ओरिजिनल GT किट जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल रहने वाली है, तो उसका भी काम जो है वो किया जाना है। फ्रंट से अगर हम बात करें यहाँ पे क्या कुछ अपडेट रहेगा तो डुअल टोन अपने जो हॉर्न है उसका यहाँ पे अपडेट स्टार्ट हो चुका है, DRL लाइट लग चुकी है, हेडलाइट में LED बल्ब जो है उसका इंस्टॉलेशन रहेगा, फॉग लैंप नहीं आते हैं, फॉग लाइट जो है वो लगाई जा चुकी है विद LED बल्ब, और ग्लॉसी किट जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अभी आप लुक देख रहे हैं विदाउट GT किट लगेगी, उसके बाद आपको आउटपुट वगैरह जो है वो चेक करवा देंगे कैसा कुछ जो है वो अपना रहने वाला है। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों अपनी पंच का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जानते हैं क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। तो भैया गाड़ी के अंदर बहुत सारा अपडेट हुआ है, जैसे आप फ्रंट से देख सकते हो बहुत सी चीजें इसमें चेंज हो चुकी है, जैसे कि आपको देखेगा फॉग लाइट का इंस्टॉलेशन कर दिया जो कि इस गाड़ी के अंदर नहीं आती है, बेस मॉडल के अंदर फॉग लाइट नहीं आती है, तो फॉग लाइट लगा दी है मिंटा कंपनी की, प्लस इसके अंदर रिले लगाई है, प्लस इसके अंदर हमने LED लगाई है अलग से जिसके इसका आपको फोकस वाइट दिखाई देगा। ठीक है जी, मतलब 3 चीज़ें हैं, एक तो मिंटा की फॉग लाइट है, उसके अलावा मिंटा की ही रिले वायरिंग का इस्तेमाल किया गया है और LED बल्ब लगाया गया है ताकि वाइट जो है LED अपना बल्ब हो जाए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप खाली फॉग लाइट का जो अपना ये रिस्पॉन्स है कुछ इस तरीके का रहने वाला है, ये अपना फॉग लाइट का रिस्पॉन्स है जो कि आपको लाइट प्रॉपर देखने को मिल जाएगी, लेकिन प्रॉपर लाइट दिखने के बाद भी आपको फॉग लाइट की रोशनी में कमी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है जी, उसके बाद आप देखेंगे हेडलाइट, तो हेडलाइट आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी, हेडलाइट जो अपनी रहने वाली है 250 वॉट रहने वाली है जो कि अपनी एक्सट्रीम कंपनी की रहने वाली है, 2 साल गारंटी के साथ आप लगवा सकते हैं। ठीक है जी, जी जिसकी प्राइसिंग की बात करें तो 5500 रुपये के रेट से आप लगवा सकते हैं। उसके बाद नीचे की फॉग लाइट की बात करें तो अपनी 1200 रुपये की फॉग लाइट है, 800 की रिले, प्लस आप इसके अंदर 1500 रुपये की LED लगवा सकते हैं जो कि इसके अंदर डली हुई है। ठीक है जी, जी उसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो हमने LED का भी इंस्टॉलेशन करा है और DRL लगाई है, प्लस LED लगाई है पार्किंग बल्ब की जगह, प्लस DRL लगाई है, तो 2 चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। जो अपनी DRL लगाई गई है वो डुअल पर्पज में रहेगी, इंडिकेटर DRL दोनों पर ही अपना वर्क करेगी, जैसे ही आप इसको इंडिकेटर पर लगाएंगे तो यहाँ पे इसका कुछ इस तरीके सिक्वेंशियल टाइप जो है ब्लिंक करना ही अपने स्टार्ट कर देती है और नॉर्मल कंडीशन में अपनी प्राइसिंग की बात करें तो हमेशा की तरह 800 रुपये की कॉस्टिंग आपको ये करती है और ग्लॉसी किट का इंस्टॉलेशन इसके अंदर कर दिया है, इसमें अपना हेडलाइट वाला पार्ट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं जी। इस वाली गाड़ी के अंदर 12 पीस वाली ग्लॉसी किट जो है वो इंस्टॉल करी गई है, हेडलाइट जो है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे, ओवरऑल गाड़ी का लुक काफी अच्छा जो है वो अपना हो चुका है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी लाइट का रिस्पॉन्स हेडलाइट के साथ कैसा कुछ आने वाला है अगर हम उसकी बात करें तो सामने रिस्पॉन्स जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं,
प्रॉपर वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आप हाई बीम और लो बीम भी चेक कर लीजिए, प्रॉपर आपको देखने को मिल जाने वाला है। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा जो है वो अपना ही ऑफर करने वाला है, तो लाइट के अंदर कोई कमी आपको महसूस नहीं होने वाली है। रोशनी आपको बहुत ही तेज देखने को मिलेगी। अगर मैं ओरो की तरह चेक कराऊँ आपको, यही सेम एलईडी अगर मैं अंधेरे में गुप्त अंधेरे में जाके आपको चेक कराऊंगा ना, तो आप कहोगे भैया ये अंधेरे में क्या एकदम धूप से एकदम वाइट हो गया सब कुछ, तो वो वाला करना है तो कमेंट कर देना वीडियो के अंदर, हम नेक्स्ट टाइम आपको वो भी दिखा देंगे बिल्कुल धूप अंधेरे में ले जाके और एलईडी का ऐसा फोकस दिखा देंगे, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है जी, बाकी जो है ये अभी तक हम आपको लाइटों के अंदर दिखा रहे हैं, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, आप गाड़ी चलाते हो हमेशा धूप अंधेरे के अंदर गाड़ी तो चलाओगे नहीं, दिल्ली के अंदर गाड़ी चला रहे हो या फिर किसी शहर में गाड़ी चला रहे हो तो स्ट्रीट लाइट वगैरह जलती रहती है, तो आपको पता लगना चाहिए कि स्ट्रीट लाइट में लाइट कितनी हमारी अच्छी दिख रही है। अंधेरे में तो भैया दिया भी बहुत तेज जलाए दिखता है, तो यही हिसाब है अपना। अगर आपको लगता है कि अंधेरे में दिखानी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम अंधेरे में दिखा देंगे नेक्स्ट टाइम। तो सामने से यही सब अपडेट जो है वो रहने वाले हैं इस वाली कार के अंदर। अब मूव करते हैं कार के साइड व्यू पे और आपको बताते हैं साइड में क्या कुछ इंस्टॉल किया गया है। जी, साइड से बात करें तो अपने व्हील कवर आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि अपने 1000 रुपये की कॉस्टिंग करते हैं, टाटा जेन्युइन लोगों के साथ आपको देखने मिलेंगे, फिनिशिंग आपको एकदम परफेक्ट देखने को मिलेगी। तो अगर इस वाले व्हील कवर में आपको सस्ते चाहिए तो सस्ते भी अवेलेबल हो जाएंगे, 500 से 600 रुपये तक की रेंज के भी आते हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हल्की मिलेगी। ये वाली क्वालिटी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, ये आपको सेम क्वालिटी वैसी मिलने वाली है जैसा कंपनी से व्हील कवर आता है। तो ये हो गए अपने फर्स्ट ऑफ ऑल व्हील कवर। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अपने मड फ्लैप जो है वो भी इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जो कि अपने चारों टायर्स के पीछे जो है वो रहने वाले हैं। जी, ग्लॉसी किट को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, हेडलाइट मैंने आप लोगों को चेकआउट करवा ही दी थी, आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको यहाँ पर लाइन्स देखने को मिल जाने वाली है। ये 12 पीस वाली है, तो चार दो पीस आपको हेडलाइट के ऊपर, दो पीस आपको आउटसाइड मिरर के ऊपर, दो पीस आपको हैंडल के ऊपर, हैंडल पे भी आपको 4 पीस मिलेंगे, 2 पीस यहाँ पर, 2 पीस अपना बाउल कवर, और पीछे की तरफ आते हैं रियर डोर हैंडल की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और टेलेट वाला पार्ट जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कुछ तरीके के डिजाइन के साथ आपको देखने को मिल जाने वाला है। मात्र 2000 रुपये की कॉस्टिंग से आप ये लगवा सकते हैं, ठीक है, और प्रॉपर 12 पीस की आपको ये मिलेगी मात्र 2000 रुपये के अंदर। ठीक है जी, कंप्लीट ग्लॉसी किट जो है वो अपना यहाँ पर रहने वाली है। जी, नेक्स्ट क्या रहेगा अपना? उसके बाद आप देखेंगे लोअर गार्निस का इंस्टॉलेशन कर दिया, जो कि अपनी 6 पीस रहने वाली है, GFX कंपनी की है, 800 रुपये की कॉस्टिंग से ये भी आप लगवा सकते हो, ये आपकी 3 इस साइड आएगी 3 उस साइड आएगी। ठीक है जी, 6 पीस जो है वो अपना रहने वाली है। उसके बाद डोर वाइजर लगाएं गैलियो कंपनी के, जो कि अपने 800 रुपये के रहने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर आपको फिटिंग करके बढ़िया तरीके से दिए जाएंगे, आप चाहें तो 500 रुपये वाले भी लगवा सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर पंच की बैजिंग मिल जाएगी। तो दो ऑप्शन जो है इसके अंदर भी, दो क्या कई सारे ऑप्शन, कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आपको जो चाहिए आप लगवा सकते हैं, ऑन शॉप पे आ सकते हैं, देख सकते हैं, लगवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऊपर देखेंगे रूफ रेल का इंस्टॉलेशन इसके अंदर करा है, जो कि अपनी प्रॉपर ABS रहने वाली है, और फिनिशिंग आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी रहने वाली है, और अगर मजबूती की बात करें तो मजबूती आपको प्रॉपर मिलेगी जैसे हमेशा मिलती आई है डेकोरम कार के ऊपर, क्योंकि हम 3M वगैरह का प्राइमर जो यूज़ करते हैं ना, ओरिजिनल करते हैं, लोकल नहीं करते दूसरों की तरह, 100-200 रुपये आपके बचाए, फिर 100-200 रुपये किसी चीज़ में कम करे, वो चीज़ें आपको ना थोड़े दिन बाद समझ में आती है कि काम हमने सस्ता कराया था तो ये चीज़ मेरी यहाँ से उखड़ गई और मेरी वो चीज़ वहाँ से उखड़ गई, तो उसके लिए आप फिर चक्कर लगाओगे, पेट्रोल खर्च करोगे, तो जितना बचाया था ना घुमा फिरा के उतना दे दोगे आप, उससे ज़्यादा ही आपका लग जाएगा, टाइम भी आपका ज़्यादा खर्चा होगा उन चीज़ों के अंदर। जी, अब ये जो है इसकी कॉस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो 1500 रुपये की कॉस्टिंग के साथ जो है अपनी रूफ रेल यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। जी, बाकी साइड में आप देखोगे डोर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको डोर एज गार्ड जो है वो चारों कॉर्नर्स के ऊपर देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। जी, बात करेंगे पीछे से अपना लाइट वाला जो स्पॉइलर इसके अंदर लगा दिया है हमने, जो कि अपना ब्रेक के साथ आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई देगा। बाकी यहाँ पे आप चेक करिएगा, जैसे ही अपना ब्रेक अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लाइट जो है वो अपना ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी, प्रॉपर जो है वो अपना ब्रेक लाइट से कनेक्ट रहने वाली है। और यहाँ पे आप चेक करोगे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ जो है इसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया गया है, आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहो बॉडी कलर में यानी कि ग्रे कलर के अंदर भी इंस्टॉल करवा सकते हो, और अगर कोई भाई व्हाइट कलर की गाड़ी लेकर के आता है तो उसका भी ऑप्शन अपने पास मिल जाएगा, आप जिस कलर में चाहो तो ले सकते हो। ये वाला स्पॉइलर आपको मात्र 2500 रुपये की कॉस्टिंग से हम लगा के दे देंगे, प्लस उसके ऊपर हमने शार्क एंटीना भी लगाया जो कि अपना वर्किंग रहने वाला है, आगे से पीछे तक की पूरी वायरिंग डाली है, उसके बाद शार्क लगा दिया हमने। ठीक है जी, जिससे कि एंटीना 850 रुपये की रकम का बन गया आपका, मतलब अगर आपको खाली शार्क एंटीना लगाना है तो 450 रुपये की कॉस्टिंग से आप वो भी लगवा सकते हैं। तो दो ऑप्शन जो है इसके अंदर अपने पास मिल जाते हैं। उसके बाद पीछे देखेंगे रिफ्लेक्टर का इंस्टॉलेशन कर दिया हमने, जो कि अपना 3 पर्पज़ से रहने वाला है, इसमें आपकी ब्रेक चलेगी, पार्किंग चलेगी, प्लस इंडिकेटर प्ले करेगा, तो 3 फंक्शनैलिटी जो है वो आपको मिल जाती है इसके अंदर भी। लुक आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस तरीके का अपना रहने वाला है। इसके अलावा आप चेक करेंगे तो रियर व्यू कैमरा है, उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। अब कैमरे का रिस्पांस कैसा कुछ आने वाला है, इंटीरियर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम बारी है कार के इंटीरियर को चेकआउट करवाने की और आपको बताने की कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किए गए हैं,
तो राजन भाई क्या रहेगा इंटीरियर के अंदर? इंटीरियर के अंदर आप देखेंगे पर्शियन ग्रीन वाले पे अपने जो फेमस कलर वाले सीट कवर है वो हमने लगा दिए, जो कि बहुत ट्रेंडी है, और ये वाले सीट कवर बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इस गाड़ी में भी लगा दिए हमने, देख सकते हैं आप। तो पर्शियन ग्रीन जो अपना ये लगा दिया, इसके अंदर बहुत ही आपको फेमस जो देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। और प्रीवियस वीडियो में भी आपने काफ़ी देखा होगा ये। उसके बाद आप देखेंगे सेम पर्शियन ग्रीन का ही हमने पूरी गाड़ी के अंदर अपना इंटीरियर जो तैयार कराया, जिसका आपको डैशबोर्ड पर पूरा पीस देखने को मिल जाएगा, प्लस आपको चारों दरवाजे देखने को मिल जितने जाएंगे। भी वाइट पीसेज आते हैं गाड़ी के अंदर, लाइक इस वाले पोर्शन के ऊपर आपको वाइट इंसर्ट मिलता है, तो इसके ऊपर पर्शियन ग्रीन जो है लेदर रैपिंग कर दी गई है। डैशबोर्ड वाले पीस के ऊपर आपको मिलता है सेम लेदर रैपिंग जो है वो अपने यहाँ पे कर दी गई है, और एक पीस आप यहाँ पर चेक करोगे छोटा वाला आपको इस साइड में देखने को मिल जाता है, यानी कि चार दरवाजे, दो पीस डैशबोर्ड, टोटल सिक्स पीस जो है वो अपना रहने वाला है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर आप खाली आप कपड़ा ही नहीं चढ़वा सकते, इसके ऊपर आप पेंट भी करा सकते हो, मतलब कि इसके ऊपर तो एक लेयर लगाई गई है, आप चाहो तो इसके ऊपर डीप पेंट वर्किंग भी करा सकते हो। देखो अपने अपने बजट की बात है, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप पेंट कराइए, क्योंकि पेंट की जो होती है ना लाइफ ज़्यादा होती है, वो आपका कभी भी ख़राब होता नहीं है, ठीक है ना। ये क्या होता है, कपड़ा चढ़वाएंगे थोड़े दिन बाद, हो सकता है ये गर्मी पड़े धूप पड़े तो ये थोड़ा बहुत फूल जाए, फूल सकता है, इस बात की मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 100% श्योरिटी नहीं होती कि भैया चिपका ही रहेगा। ये कपड़ा है, टेस्टिंग करी जाती है, अगर धूप लगेगी ज़्यादा तो ये फूल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन ये भी है कि अगर आप चाहो तो इसमें डिप पेंट वर्क भी करवा सकते हो, आप डिप पेंट वर्क भी करा सकते हो अगर आपका बजट अच्छा है तो, ठीक है जी। तो ये हो सेम कलर आपका सीट कवर का कलर का जो है डिप पेंट हो जाएगा, और प्लस आप इसके साथ साथ अगर इसके अंदर और इंटीरियर को आपने अच्छा करना चाहते हो तो आप अपने छत के जो है छत पे भी सेम कलर की वेलवेट लगा सकते हो, जैसे हमने इसके अंदर पर्शियन ग्रीन कराया तो सेम पर्शियन ग्रीन कलर की आप वेलवेट लगा सकते हो छत पे। वेलवेट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि छत का जो मामला होता है ना, इस पर वेलवेट ही सही जमती है, अगर आप इसके ऊपर ये अगर लेदर लगवाएंगे तो ये कुछ दिन बाद फूल सकती है, तो इसलिए वेलवेट परफेक्ट चीज़ है, आप लगवा सकते हैं इसके ऊपर सेम सीट कवर के कलर की, जिससे आपका इंटीरियर पूरा एकदम एग्जैक्ट सेम हो जाएगा, और छत के साथ साथ आप पिलर्स भी आप इसके अंदर उसी के अंदर करा सकते हैं, तो आपको जो है आपका छत में लगेगा। हम लोगों ने काफी टाइम पहले भी कई बार गाड़ियों में कर रखा है, उसका नाम भी दिया हुआ था मखमली एडिशन, तो वो भी आप बनवा सकते हैं। बिल्कुल मखमली एडिशन भी आप बनवा सकते हैं, जिससे आप छत पे कारपेट प्लस पिलर्स पे कारपेट करा सकते हो सेम सीट कवर की मैचिंग के, प्लस आप इंटीरियर को पेंट भी करा सकते हैं अगर आपका बजट अच्छा है तो। उसके बाद हम दिखाएंगे अपना आर्मरेस्ट, जो कि अपना थर्ड टाइप रहने वाला है, ये भी हमने इस गाड़ी के अंदर लगा दिया है, और ये काफी मजबूत जो है वो रहेगा। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, इसकी कुशनिंग भी आपको काफ़ी अच्छी जो है वो यहाँ पर मिल जाने वाली है, मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज जो है वो अपना रहने वाला है आर्मरेस्ट के मामले के अंदर। आर्मरेस्ट के मामले में उसके बाद आप देखेंगे हमने इसके अंदर एम्बिएंट लाइट का इंस्टॉलेशन करा है, जो कि अपनी K4 रहने वाली है, जिसमें आपको लाइटें जो है ना चलती हुई दिखाई देंगी, और इसके अंदर एक K3 आती है साकी भाई, एक K4 आती है। K4 के अंदर क्या होता है ना, आपकी ये लाइटें जैसे रनिंग कर रही है ना, ये रनिंग करती है K4 के अंदर, और K3 के अंदर ना आपकी सिंगल लाइट जलेगी, अगर ग्रीन जलाएंगे तो ग्रीन जलेगी, येलो जलाएंगे तो येलो जलेगी, इस तरीके से ये चलती है। कितने पीस रहने वाली है अपनी ये? इसके अंदर 6 पीस रहने वाली है, आप चाहो तो 10 करा सकते हो, 20 करा सकते हो, 18 करा सकते हो, जितने मर्जी आप पीसेज इसमें बढ़वा सकते हो, ठीक है। और स्टार्टिंग रेंज जो होती है इसकी 3500 रुपये से स्टार्ट होती है अच्छी क्वालिटी की, अगर आप लो क्वालिटी में जाएंगे तो 2500 रुपये की भी मिल जाएगी आपको। भांति भांति की चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, क्वालिटी अलग अलग है, आप जिस रेट में काम कराना चाहेंगे उस रेट में काम आपको हो जाएगा। अब इसमें कार के अंदर भी अब इसमें 6 पीसेस कहाँ कहाँ हैं उसकी अगर हम बात करें, 4 पीस आपको दरवाजों के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, 2 पीस का जो इंस्टॉलेशन है वो अपना डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो अपना यहाँ पर रहने वाला है, और K4 की खासियत ये रहने वाली है कि जैसे आप इसको बंद करके ऑन करेंगे तो आपको एक वेलकम फीचर जो है वो मिल जाएगा। तो एक बार मैं राजन भाई बंद करिए एक बारी, तो अब इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप चेक करिए, तो आपको एक वेलकमिंग फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि रेनबो मोड के साथ आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है, ये अपना कंप्लीट चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है K4 के अंदर जो अपना आती है जी। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना? नेक्स्ट की बात करें तो स्टीयरिंग रैप भी सेम हमने इसी इंटीरियर के साथ करके दे दिया है, जो कि डुअल टोन के फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। अब गाड़ी का डैशबोर्ड अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पे ब्लैक और पर्शियन ग्रीन हो चुका है, वही ब्लैक और पर्शियन ग्रीन आपको जो है इसके अपने स्टीयरिंग रैप के ऊपर भी देखने को मिल जाने वाला है। अपर पोर्शन ब्लैक और लोअर पोर्शन पर्शियन ग्रीन फिनिश के साथ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और किस किस तरीके की इसकी फिट फिनिश आ रही है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करेगा राजन भाई? तो नेक्स्ट की बात करें तो एंड्रॉइड लगाया, जो कि हमने अपना डायमंड डिज़ाइन रहने वाला है, आप देख सकते हैं, और डायमंड डिज़ाइन में भी मैंने पहले भी बताया बहुत सारी अपने पास क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। 8,500 रुपये से डायमंड 2 के आपको स्टार्ट मिलेगा,
प्लस अपने पास 15-20 हजार रुपए तक का डायमंड 2K मिल जाएगा। मतलब इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट आते हैं अलग अलग, वो आपको 8,500 से स्टार्ट और 15-20 हजार रुपए तक के देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम इसकी बात करें तो डायमंड 2K है तो इसमें आपको सबसे पहला यहाँ पे डायल मिल जाता है, या आप इस तरीके से वॉल्यूम को प्लस और माइनस कर सकते हैं और यहाँ से अपना ट्रैक वगैरह चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन साइज क्या रहेगा राजन भाई? स्क्रीन साइज की बात करें तो 11.8 रहने वाला ही है, 4GB रैम और 64GB इनबिल्ट वाला रहने वाला है, और ये वाला अपना वेरिएंट है जो वो 12,500 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें आपको दिखा देते हैं टच का रिस्पॉन्स वगैरह कैसे कुछ रहने वाला है। काफी स्मूथ जो है वो आपको बटरी एक तरीके का फील जो है वो कराएगा। कई सारी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएंगी, लाइक क्रोम ब्राउजर है, मैप आपको मिल जाता है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे प्ले स्टोर दिया गया है, जेड लिंक के थ्रू आप इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी कैसे रहेगी, वायर्ड रहेगी या वायरलेस रहेगी? ये कनेक्टिविटी एप्पल कार्प्ले की जो रहेगी ना, हाँ जी, वो अपनी वायर्ड रहने वायरलेस रहने वाली है एप्पल कार्प्ले की कनेक्टिविटी। प्लस आप एंड्रॉइड ऑटो अगर आप कनेक्ट करते हो तो आप वायर से यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा चलेगा। अगर आप वायरलेस चलाना चाहते हो एंड्रॉइड ऑटो तो चल जाएगा, लेकिन आपको ये श्योरिटी नहीं मिलेगी कि ये फास्ट चले, वो थोड़ा स्लो चलेगा। ठीक है जी, मतलब कि वो भी वायरलेस ही रहेगा? हाँ, देखो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपको मना नहीं करेगा इसके अंदर के एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस नहीं होता, होता है, मैं भी बोलता हूँ होता है, लेकिन उसकी आपको इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं मिलेगी। अगर आपको अच्छी स्पीड चाहिए इसके अंदर तो एंड्रॉइड ऑटो आप वायर चलाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से चलेगा इसका। ठीक है जी, बाकी ये जो कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है, कैमरे का एक बार रिस्पॉन्स आपको दिखा देते हैं कैसा कुछ जो है वो अपना रहने वाला है। यहाँ पे अपना कैमरे का आउटपुट जो है वो आप चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि स्क्रीन जो है काफ़ी बड़ी है, उसके हिसाब से आप देखोगे तो कोई पिक्सल वगैरह फटते हुए आपको नजर जो है वो नहीं आने वाले हैं। कैमरे का जो रिस्पॉन्स है वो आपके सामने किस तरीके का जो है वो अपना रहने वाला है। ठीक है, इसकी कुछ वारंटी वगैरह आती है? हर चीज़ की वारंटी होती है भैया, 1 साल किसी की, 2 साल हर चीज़ की गारंटी आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट क्या रहेगा राजन भाई? नेक्स्ट हमने स्पीकर जो लगाए आपने दिखाई दिए होंगे साकिब भाई, आगे कंपोनेंट पीछे कोएक्सियल पायनियर कंपनी के लगाए जो कि हमारे हिसाब से इस बजट के अंदर बेस्ट है। ठीक है जी जी, बाकी डैम्पिंग भी आप लोगों को मैंने दिखा दी थी, डबल लेयर डैम्पिंग जो है इस वाली कार के अंदर नहीं, डबल लेयर डैम्पिंग है, लेकिन सबसे खास बात यह है जो डैम्पिंग इस गाड़ी के अंदर करी है वो ट्रिपल लेयर डैम्पिंग है। उसकी खासियत सबसे बड़ी ये रहने वाली है कि उसके अंदर आपको पहली जो परत मिलेगी वो फोमिंग की मिलेगी, नीचे आपको एल्यूमिनियम शीट मिलेगी, उसके नीचे आपको बोटाइल मिलेगा। मतलब कि अपनी 3 लेयर डैम्पिंग आपको रहने वाली है जो डेकोरम कार पे इस गाड़ी के अंदर लगा दी है, जिसकी आपको ट्रिपल प्रोटेक्शन मिलेगी, जिससे आपको बाहर की जो है आपकी हीटिंग जो है बहुत गाड़ी के अंदर कम आएगी। बहुत का मतलब ये समझ लो आपकी गाड़ी के अंदर कम से कम 90% फर्क पड़ेगा, बाहर की जो हीट है वो गाड़ी के अंदर नहीं आएगी जो हमने डैम्पिंग इस गाड़ी के अंदर लगाई है। मतलब कि एसी की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी, बाहर की नॉइस वगैरह अंदर नहीं आएगी और साउंड का जो आउटपुट है वो भी इंप्रूव हो जाएगा, बेस 100% बढ़ जाएगा। मतलब बेस ऐसा आएगा जैसे आप बूफर में सुनते हो। ठीक है जी जी, तो ये हो गई बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने स्टीयरिंग कंट्रोल्स की, जो कि अपने जेन्युइन रहने वाले हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये सेल्फ माउंटेड ऑडियन कॉलिंग कंट्रोल टाटा जेन्युइन यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, ये प्रॉपर वर्किंग रहेंगे अपने स्टीरियो के साथ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, चेक करोगे वॉल्यूम माइनस हो रही है, प्लस हो रही है, म्यूट अनम्यूट जो है वो वर्क करेगा, और बीटी वगैरह के सारे बटन आपके सामने मैंने काम करके दिखा दिए, प्रॉपर वर्किंग अपना रहने वाले हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट करेगा अपना। नेक्स्ट की बात करें तो ये भैया कॉम्प्लीमेंट्री चेंज कर दिया भैया का ऊपर वाला बल्ब। ठीक है जी, सबसे बड़ी बात नीचे अपने फ्लोरिंग कर दिया, जो कि अपनी डाई वाली फ्लोरिंग रहने वाली है, क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। डे के टाइम में मैंने फ्लोर दिखाया था वो किस तरीके का था, और अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ये एक तरीके की लेमिनेशन जो है वो हो चुकी है। कोई भी चीज़ गिरती है फ्लोर खराब नहीं होगा, इसको साफ करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद इसे मैट वगैरह जो है आप अपनी मर्जी के इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी आप चेक करोगे तो 2 जेन्युइन अपडेट भी किए गए हैं इस वाली कार के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पावर विंडोज़ रहने वाली हैं, टाटा जेन्युइन रियर पावर विंडोज़। तो यहाँ से अपना फ्रंट से आप फ्रंट पावर विंडोज़ को भी और रियर पावर विंडोज़ को भी प्रॉपरली ऑपरेट जो है वो कर पाएंगे। ड्राइवर साइड से कंट्रोल आपको मिल जाएगा, और इसमें एक विंडो लॉक का जो बटन है वो भी वर्क करेगा। स्विच आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, सेम रहेगा जिस तरीके से बाय डिफॉल्ट आपको एडवेंचर वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाता है। जेन्युइन जो है वो अपनी यहाँ पे लगाई गई है। इसके अलावा हमने इसमें साइड मिरर भी लगाया, जिसका आपको साइड मिरर का स्विच भी देखने को मिल जाएगा, जेन्युइन टाटा का रहने वाला है। ठीक है जी, जो कि अपना फोल्ड अनफोल्ड प्रॉपर आपको कर देगा। तो बटन प्रेस किया मिरर फोल्ड, बटन प्रेस किया मिरर अनफोल्ड हो जाएगा, एडजस्टमेंट भी वर्क करेगा और की के साथ भी अपना काम करेगा। तो एडजस्टमेंट वगैरह भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करें मिरर जो है अपना एडजस्ट हो रहा है, यहाँ पे डाउन हो गया, अप हो गया, और लेफ्ट और राइट प्रॉपर वर्किंग जो है वो आपको ये मिल जाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये की के साथ भी जो है अपना प्रॉपरली ऑपरेशनल रहने वाले हैं जी। ये अपना सेंटर लॉक की आती है ना, अगर हम की बंद करते हैं तो भी ये फोल्ड हो जाएगा, प्रॉपर आपका ऑटोमेटिक बन चुका है। ये पूरी प्रॉपर बेस टू टॉप गाड़ी बन चुकी है, प्लस सरपंच बन चुकी है। एक बात और, हमने पावर विंडो लगाई है टाटा जेन्युइन, और एक बात और, भैया ने जी टिकट नहीं लगवाई है इसके अंदर। अगर भैया जी टिकट लगवाते इसके अंदर तो हम जी टिकट भैया को एमटेक वाली देते तो 9,500 रुपये की देते, और अगर हम भैया को दूसरे ब्रांड में देते
तो 6500 की देते हैं। ये हमने पहले से ही बोल रखा है कि अगर कोई भी भाई हमारे पास बेस टू टॉप कराने आएगा तो एमटेक की जी टिकट 9500 रुपये प्लस दूसरी वाली जी टिकट 6500 रुपये प्लस, अगर फ्रंट और बैक सिल्वर ब्लैक वाला लगवाना चाहते हो तो ओनली फॉर 4500 में आप लगवा सकते हो। ठीक है जी, ये बहुत सारे कस्टमर का मेरे बोलना था कि भैया बहुत कंफ्यूजन है जी टिकट के अंदर, अब बहुत ज़्यादा आने लग गई है, मतलब अलग अलग कंपनियों की जी टिकट आने लग गई है, पहले खाली एमटेक आया करती थी। तो मैं रेट बता देता हूँ, 4500 रुपये से शुरू होती है भैया और एमटेक की 9500 पे मैंने एंड कर दिया, आप जब मर्जी आओ लगवा सकते हो मेरे से। ठीक है जी, तो ये सब हो गया काम। इसके अलावा कुछ और एक्सेसरीज की अगर हम बात करें तो पडल लाइट सेटअप जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, आगे के दोनों दरवाजों में लाइट आपको मिल जाएगी। अभी लाइट जल रही है, दरवाजा बंद है, क्यों? क्योंकि लाइट के कनेक्शन दिए जाते हैं यहाँ से, जैसे लाइट ये वाली बंद होगी तो ये भी अपने आप बंद हो जाएगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो लाइट जल रही है, ग्लोब बॉक्स के अंदर आपको एक लाइट मिल जाएगी और एक पीस जो है अपना बूट के अंदर भी रहने वाली है। टोटल 4 पीस का सेट जो है वो अपना यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे पंच की प्रॉपर वेलकम प्लेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि स्टील प्लेट रहने वाली है, रस्टिंग वगैरह का इशू जो है इसमें आपको नहीं मिलता है। तो ये सब अपडेट जो है वो रहने वाले हैं इस वाली कार के अंदर। एक चाबी का भी अपडेट जो है वो किया गया है सेंटर लॉकिंग के साथ, अपनी फिलिप की जो है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी की जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं, फिलिप की जो है वो बना दी गई है। 3 बटन आते हैं, लॉक का, अनलॉक का, सेंटर वाले बटन से आप गाड़ी को म्यूट लॉक अनलॉक कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, गाड़ी को मैं जैसे लॉक करूँगा तो मिरर अपने फोल्ड हो जाएंगे और गाड़ी को अनलॉक करूंगा मेरा जो है वो अपने अनफोल्ड हो जाएंगे, प्रॉपर वर्किंग जो है वो अपना मिलने वाला है। और इसकी आपको 3 साल की वारंटी भी मिल जाती है, मिल जाती है, वो भी आपको डोर स्टेप मिलने वाली है। तो ये सब सारा काम जो है वो रहने वाला है। अब गाड़ी हमारे पास काफी दूर से आई हुई थी, जानते हैं कस्टमर से वो कहाँ से आए हमारे पास और कैसा उनका फीडबैक आया है। भैया की गाड़ी का सारा काम कम्प्लीट हो गया, अब मिलवाते हैं भैया से और कैसा इनका रिव्यू है ये बात कराते हैं। तो भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए। विमल सिंह। भैया आपका नाम? उत्कर्ष। उत्कर्ष भैया, तो आए कहाँ से भैया? मैं श्रावस्ती यूपी से। यूपी से? श्रावस्ती। श्रावस्ती, हाँ श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आया हूँ। श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आप आए हो, मतलब बहुत ही दूर से आए हो, कितना किलोमीटर होगा? मान के चलिए 750 किलोमीटर। 750 किलोमीटर। और सुबह सुबह मेरे ख्याल से आ गए थे आप 10 बजे। आपकी दुकान खुली भी नहीं थी तभी आ गया था भैया। 10 बजे सुबह आ गए थे और हमारी दुकान लेट खुली थी, 10:30 बजे 11 बजे करीबन खुली थी। देखो मैं ये बात सच बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद काम आपकी गाड़ी में हुआ, पूरा दिन लग गया गाड़ी में भी। पूरा दिन लग गया, काम होता रहा। सीट कवर भैया के स्पेशली बनाए हमने ऑर्डर पे और चढ़ाए। तो भैया अब पूरे दिन का हम पूछेंगे, कैसा लगा आपको पूरे दिन दुकान पे यहाँ पर रह के? दुकान पे रह के थोड़ी थकान हुई पर काम अच्छा था, काम बहुत बढ़िया हुआ। अगर काम की बात करें तो काम कैसा लगा आपको? काम बहुत अच्छा लगा, मतलब सब लोग बारीकी से काम कर रहे थे और टाइम दे रहे थे हर काम के पीछे, तो काम परफेक्ट था। हाँ काम परफेक्ट था। तो भैया आपका क्या कहना है आज के लिए काम के लिए? पूरा बढ़िया से दिन कट गया, आराम से बैठे बैठे पता ही नहीं चला सुबह से शाम कब हो गई। तो बाकी तो सर्विस वगैरह सब बढ़िया थी। ये तो दुकान की बात रही। हाँ। बाकी हम पूछना चाहेंगे काम के बारे में, काम आपका कैसा हुआ, प्रोफेशनली हुआ या कुछ कमी लगी? नहीं नहीं काम पूरा बढ़िया तरीके से हुआ सब कुछ। लड़के जो काम करने वाले थे प्रोफेशनल लगे आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो काम को अगर नंबर देना चाहेंगे तो भाई कितने नंबर देंगे आप? वैसे तो 10 out of 10 देना चाहूँगा, लेकिन बस टाइम का थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है। कोई दिक्कत नहीं, रखो टाइम लगा है ये बात मैं मानता हूँ, और ऐसे काम के लिए ना मेरे हिसाब से टाइम लगता ही है भैया। तो अगर आप टाइम के लिए अगर हमारा नंबर काटेंगे भी ना तो वो मैं मान सकता हूँ, अगली बार को कर सकता हूँ कि कोई कस्टमर आएगा जल्दी से जल्दी काम कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ काम परफेक्ट करके दूंगा, तसल्ली से करके दूंगा। हाँ, काम तो परफेक्ट हुआ है जी, बस ये काम परफेक्ट हुआ है। तो 10 में से कितने नंबर देंगे सर आप? 10। काम तो 10 में से 10 का मतलब आप फुली सेटिस्फाई हैं? हाँ सेटिस्फाइड है, काम से सेटिस्फाइड। तो सर आपका क्या रिव्यू रहेगा? मैं दूंगा 9, क्योंकि कोई भी चीज एब्सोल्यूट परफेक्ट नहीं हो सकती। जी जी, इसलिए तो चलो ठीक है, 9 हमारे को एक्सेप्टेबल है। हाँ। लेकिन बस हमें वजह जाननी होती है, क्योंकि हम उस चीज को बाद में सुधार सकते हैं। नहीं तो नहीं वजह कोई नहीं, बस यही है कि एब्सोल्यूट परफेक्ट नहीं हो सकती। नहीं वो बात ठीक है आपकी। हाँ। लेकिन देखो एक नंबर काटने के पीछे कोई ना कोई वजह होगी, तो एक अगर आपको जरा सा भी है तो बता सकते हैं आप उसको। हम नहीं नहीं दिक्कत कोई नहीं, ऐसे ही बस एक नंबर ऐसे ही टीचर ने काटा हम इधर काट रहे हैं। चलो भैया का मान लेते हैं, भैया ने एक नंबर ऐसे काट दिया। तो भैया ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया बढ़िया। यहाँ बैठने वगैरह की जगह अच्छी मिली? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया जी। तो आप फुली सेटिस्फाई हैं? थैंक यू सर, आप हमारे पास आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। थैंक यू।